किसी ने मेरे कमेंट सेक्शन में पूछा कि क्या छोटे बच्चों को सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए कि नहीं। सो आज का वीडियो सनस्क्रीन के ऊपर है। हम ये देखेंगे कि सनस्क्रीन हमें यूज करनी चाहिए कि नहीं, किस एज के बच्चों के ऊपर सनस्क्रीन लगाई जा सकती है और किस तरीके की सनस्क्रीन को हमें यूज करना चाहिए ऑन आवर बेबीज एंड टॉडलर्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या हमें सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए? आंसर इज येस एंड नो। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आपको उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इफ योर चाइल्ड इज मोर देन 6 months ऑफ एज then you can definitely apply sunscreen on his or her skin. AAD यानी कि American Academy of Dermatology के अनुसार all kinds of skin, regardless of skin tone, should wear sunscreen of SPF 30 or higher. आपका स्किन टोन जिस भी तरीके का है, आपका स्किन का टेक्सचर जिस भी तरीके का है, आपके बेबी के स्किन का टेक्सचर, टॉडलर के स्किन का टेक्सचर, बच्चों के स्किन का टेक्सचर जिस भी तरीके का है, आपकी कोई भी एज हो, आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए और वो सनस्क्रीन SPF 30 या उससे ऊपर का होना चाहिए। जब बच्चों के लिए हम सनस्क्रीन सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। पहला, वी हैव टू गो फॉर अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। दूसरा, वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए। अगर आपका बच्चा खेलता कूदता है, भागता दौड़ता है तो नेचुरली द चाइल्ड इज गोइंग टू स्वेट। आपका बच्चा स्विमिंग के लिए जाता है तो इन दैट केस ऑल्सो आपको वाटरप्रूफ वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन की जरूरत पड़ेगी। और तीसरी बात, जो आपका सनस्क्रीन है उसका SPF 30 या उससे ज्यादा होना चाहिए। यहाँ छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको SPF का देना चाहूंगी। SPF का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। जो चीज SPF 30 की है वो अराउंड 96% हमें प्रोटेक्शन देती है फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। जो SPF 40 है लाइक दिस वन, ये हमें प्रोटेक्शन देगी अराउंड 97% और SPF 50 हमें प्रोटेक्शन देता है अराउंड 98%। ये जान लीजिए कोई भी सनस्क्रीन 100% आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है अगेंस्ट दोज हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हमें सन से मिल रहे होते हैं या फॉर दैट मैटर जो डे लाइट से हमें मिल रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चों की स्किन जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है तो उनके लिए सनस्क्रीन सेलेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखिए कि SPF कम से कम 40 तो होना ही चाहिए। दूसरा जो टर्म मैंने यूज करा वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। नाउ ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि वो हमें दोनों तरीके के अल्ट्रावायलेट रेज which is UVA and UVB दोनों से प्रोटेक्शन दे। अब UVA क्या होता है और UVB क्या होता है? तो UVA A से आप ध्यान रख लीजिए एजिंग, अल्ट्रावायलेट रेज जो एजिंग करती हैं, यानी कि रिंकल्स आएंगे, डल स्किन होगी, फाइन लाइंस आएंगे, इस तरीके की चीजें शुरू हो जाती हैं। अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर हो UVA रेज से, सारी अल्ट्रावायलेट रेज का 90% हिस्सा जो होता है वो UVA ही रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सनस्क्रीन लगाना। और एक चीज और, UVA रेज जो होती है वो क्लाउड्स तक को पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो अगर कोई ऐसा दिन है जिस दिन बारिश हो रही है और आपको लगे कि अरे आज धूप तो निकली नहीं है तो क्या लगाना सनस्क्रीन? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको खुद भी लगाना है एंड मेक श्योर यू अप्लाई इट ऑन योर चाइल्ड एज वेल। दूसरे तरीके की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो होती है UVB। ये 8 से 10% ही हिस्सा होती है UV स्पेक्ट्रम का जो बर्निंग कॉज करता है और इसमें पोटेंशियल रिस्क होता है स्किन कैंसर करने का। बट अगर UVA और UVB को देखा जाए तो UVA क्योंकि 90% है उसमें जो पोटेंशियल रिस्क है टू कॉज कैंसर, स्किन कैंसर, वो ज्यादा होता है। तो कोई भी सनस्क्रीन जिसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है उसका मतलब ये होता है कि वो आपको UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्शन देता है। बट ये जानना जरूरी है कि कोई भी सनस्क्रीन हमें 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है, मैक्स टू मैक्स 98% ही प्रोटेक्शन देता है। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने सनस्क्रीन लगाया भी है बच्चे के ऊपर तो उसको कोशिश करिए कैप वगैरह पहना दीजिए। छोटे बच्चों के लिए किन बातों का ध्यान रखना है कि हमें केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन नहीं इस्तेमाल करनी है और अगर आपको सनस्क्रीन अप्लाई करने की जरूरत पड़ भी जाए कोशिश करिए मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन का आप इस्तेमाल करें, स्पेशली जिसमें जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो। अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि बच्चों के लिए कई ब्रांड्स सनस्क्रीन निकालने लग गई है और वो सनस्क्रीन बच्चों के लिए अलग होती है। मैं अपनी बेटी के लिए जो यूज करती हूँ वो है लोटस का सन सेफ किड्स सॉफ्ट टच। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को जब मैंने देखा तो मोरलेस सभी इंग्रेडिएंट सेफ थे, बस लास्ट में फ्रेग्रेंस कौन सी यूज करी गई है, ये नेचुरल फ्रेग्रेंस है कि आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है, उसकी क्लैरिटी मुझे नहीं मिली। मार्केट में इसके अलावा 2 और ब्रांड्स जिनको मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ फॉर परचेजिंग सनस्क्रीन, एक तो है सेबामेड बेबी सन लोशन जो अराउंड 1300 या 1400 का है और दूसरा आता है सीटाफिल सन किड्स दैट इज अराउंड 1900। The one that I use ये आपका है 385 rupees का। As I said, इसका SPF 40 है। आपका सेबामेड और सीटाफिल का जो SPF है I think that is around 50. So that's all in today's video. This video was about sunscreen. I'll see you very soon in the next video. Bye for now.